सेंटेंट दूसरा नाम है। 2630 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 2550 से स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक करीब 4580 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 4350 से स्टॉप लॉस मेंटेन करें। केनरा बैंक करीब 235 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 225 से स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ईपीएस शेयर के तौर पर मैंने जीएम फाइनेंशियल को चुना है, करीब 92 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 8650 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें। केशवराम इंडस्ट्रीज कंपनी के लिए अच्छी खबर है, लाइमस्टोन माइनिंग या लाइमस्टोन रिजर्व जो है वो और इंप्रूव हो सकते हैं, 73 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 66 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। टाइम टेक्नोप्लास करीब 147 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 140-150 के स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ग्लोबल स्पिरिट्स पे आप 160 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करें, करीब 152 रुपए स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा आज बैठक है, एफसीसीबी रीपेमेंट को लेकर फैसले हो सकते हैं, 655 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 640 के स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और LEEL इलेक्ट्रिकल्स आप 82 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 76 रुपए स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। शुरुआत मैंने ONGC के साथ की है, और साथ साथ ऑयल इंडिया, दोनों ही स्टॉक्स एक्शन में रह सकते हैं। इनफैक्ट ONGC, ऑयल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, गेल, GSPL, तमाम स्टॉक्स आज एक्शन में रह सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। ऑयल एंड गैस स्पेस पे आप नजर रखें, और 1 अक्टूबर से नई गैस कीमतें लागू हो रही हैं, वो एक बड़ा ट्रिगर ONGC और ऑयल इंडिया के लिए है। 181 का टारगेट, 221 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। KEI इंडस्ट्रीज आज का टारगेट 350, स्टॉप लॉस 340। टाटा एलेक्सी 1195 के टारगेट के लिए खरीदें, 1168 के स्टॉप लॉस के साथ। और लेमन ट्री, जहां पर प्रमोटर ने अपनी कंपनी के 75,000 शेयर खरीदे, आज 76 का टारगेट है, 71 का स्टॉप लॉस। इनफैक्ट होटल इंडस्ट्री जुड़े दो स्टॉक्स, इंडियन होटल्स और लेमन ट्री बहुत एक्टिव है इस मार्केट में। क्रॉम्पटन ग्रीस कंज्यूमर 229 का टारगेट है, 222 का स्टॉप लॉस। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक तो CLSA ने मॉडल पोर्टफोलियो में शामिल किया, ऊपर से यहां पर पॉजिटिव रिपोर्ट लगातार ब्रोकिंग हाउसेस की आ रही है, नोमुरा की आज पॉजिटिव रिपोर्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आप नजर रख सकते हैं। मारुति सुजुकी और साथ ही साथ अमराजा बैटरीज, दोनों ही निचले स्तरों से रिकवरी शो कर सकते हैं, दोनों स्टॉक्स पर नजर रखी जा सकती है। और गोदरेज कंज्यूमर 800 का टारगेट, 775 का स्टॉप लॉस। FMCG में गोदरेज, नेस्ले और साथ साथ ब्रिटानिया, तीनों स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव है। चलिए, तो आपको सभी शेयर बताए गए हैं जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। SDX 50 में तेजी जो है वो और बढ़ी है, करीब करीब 50 अंक ऊपर अब SDX 50 आ चुका है। अब एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बाजार में कहां आज खरीदारी करनी है, कहां बिकवाली करनी है, किस तरह की रणनीति रखनी है, छोटे से ब्रेक के बाद लौटे।